जिले में अवैध शराब की तस्करी और परिवहन करने वालों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। क्राइम ब्रांच और खमरिया पुलिस की टीम ने अमजर घाटी के पास एक बुलेरो पिकअप वाहन से 177 पेटी अवैध शराब जब्त की है। वाहन चालक इस शराब से लोड बुलेरो पिकअप वाहन को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। जिले में अवैध शराब का कारोबार बढ़ता जा रहा है। अन्य जिलों से अवैध शराब का परिवहन कर बिक्री करने वाले शराब माफिया सक्रिय हैं। पुलिस अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर शिकंजा कस रही है। क्राइम ब्रांच और खमरिया पुलिस की टीम ने अमझर घाटी भवानी केशर के पास कुंडम की ओर से आ रही बुलेरो पिकअप वाहन से 177 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। शराब की कीमत 12.5 लाख रुपए बताई जा रही है। वाहन चालक शराब से लोड पिकअप वाहन को मौके पर छोड़कर भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने शराब की पेटियों और पिकअप वाहन को जब्त कर लिया है। पुलिस वाहन चालक और वाहन मालिक की पतासाजी में जुट गई है। किस तरह की कार्रवाई की गई है? आज दिनांक 26 को मुखबिर की क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि अवैध शराब का एक जखीरा बुलेरो पिकअप वाहन में कुंडम तरफ से आ रहा है। जो क्राइम की टीम थाना उपस्थित आई, उनके हमरा टीम को रवाना किया गया। जो भवानी क्रेशर के सामने अमझर घाटी में बुलेरो पिकअप वाहन को एक मातमली से रोका गया, जिसका चालक वाहन रोकते ही फरार हो गया, चाबी लेके फरार हो गया था। जो मौके पे वाहन को चेक किया गया, उसमें काउंटिंग करने पे मौके कार्रवाई भी 177 पेटी शराब बरामद की गई है। 31 पेटी गोवा की और 146 पेटी बॉम्बे की थी। इसमें वाहन चालक फरार हो गया है मौके से, उसकी तलाश पतासाजी की जा रही है। मौके पर संपूर्ण कार्रवाई की जाकर 34 आबकारी एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया गया। किसकी गाड़ी है ये? अभी वाहन मालिक का पता कुंडम रोड चौधरी मोहल्ला कटंगी रोड चौधरी मोहल्ला ज्ञात हुआ है, जिसमें अभी टीम भेजकर और पतासाजी की जा रही है। बताया जाता है कि अवैध शराब कटनी जिले से जबलपुर लाई जा रही थी। इस संबंध में पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। इस आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने मामले में आबकारी एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि वाहन चालक और वाहन मालिक की गिरफ्तारी के पश्चात और भी जानकारी सामने आएगी।